दिल्ली ईस्ट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते हैं। शनिवार को गंभीर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी। गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है। उन्होंने जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करवा दिया जाए। तो वहीं गंभीर ने राजनीतिक जिम्मेदारियों को छोड़ने की वजह भी बताई है। उन्होंने लिखा है कि अब वो अपने क्रिकेट से जुड़े कमिटमेंट्स पूरे करने चाहते हैं। गंभीर ने देश सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार भी जताया। गौतम गंभीर ने 22 मार्च 2019 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा ने उन्हें 2 महीने बाद ही 2019 लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। गंभीर ने 6,95,109 वोट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी और कांग्रेस की अरविंद सिंह लवली को हराया था। गंभीर को महेश गिरी की जगह टिकट दिया गया था। गंभीर ने 2003 से 2016 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। वे 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 की वनडे कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वे 2019 में ईस्ट दिल्ली से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। 2008 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में ही उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की गुरुवार शुक्रवार को हुई बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि नॉन परफॉर्मर और सक्रिय नहीं रहने वाले सांसदों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने 400+ टारगेट को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते।